हिलटॉप स्कूल डलहौजी में समाजसेवी संस्था रमणीय डलहौजी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से वार्षिक पौधारोपण अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डलहौजी विधायक आशा कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाई, जबकि लेनोवो ग्रुप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डॉक्टर सुधीर धवन विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक आशा कुमारी ने स्कूल परिसर में पौधारोपण कर की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रमणीय संस्था डलहौजी सहित साथ लगती पंचायतों में 1350 पौधे रोपने का लक्ष्य हासिल कर यह पौधारोपण मुहिम पर्यावरण संतुलन की दिशा में निसंदेह सराहनीय है। इस मौके पर संस्था की ओर से डलहौजी के प्रेरणादायक ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में वरिष्ठ नागरिक सुखदेव बाबा और एयर कमोडोर सेवानिवृत्त अशोक महाजन को डलहौजी रत्न का सम्मान देकर सम्मानित किया। वही पौधारोपण अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने पर तिब्बती समुदाय के लोगों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान हिलटॉप स्कूल के छात्रों ने पहाड़ी नाटी पेश कर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था की अध्यक्ष रेणुका चौधरी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश्वर बहल ने विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सारी दुनिया में ही सही और हमारे शहर में भी एक नशे का बहुत ज्यादा एक बुराई बढ़ती जा रही है। थोड़ा नशा, हल्का नशा, भारी नशा, तेज नशा, मतलब अपना को रोके और पर्यावरण के प्रति आपका ज्यादा ध्यान रहता है। आपने बहुत सारे कार्यक्रम ट्री प्लांटेशन के लिए पिछली बार भी आपने मुझे आमंत्रित किया था और पिछली बार आपने 2021 वर्ष बनाते हुए 2021 पेड़ लगाए थे, इस बार आपने 1350 पेड़ लगाए हैं। ये अच्छी बात है कि आप फ्रूट बेरिंग ट्रीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सही है कि डलहौजी में फ्रूट बेरिंग ट्रीज लगाना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो ये रेन जोन है, जब फ्लावरिंग का समय आता है उस समय यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स का हिस्ट्री नहीं है, यहाँ के मौसम की हिस्ट्री रही है। हालांकि देशक ने इस बार याद दिलाया कि इस बार जो अप्रैल और मई का महीना जिसको हमें चपयाल हूँ चंबा से हूँ चंबा में शादी हुई है मेरी, तो हम इसको कहते हैं जो गुड़क चमक का महीना है वो इस साल हमने बहुत मिस किया। ना गुड़क हुई, ना चमक हुई, ना गुच्छी हुई, क्योंकि गुड़क चमक के साथ जो एसोसिएटेड है वो गुच्छी है और गुच्छी तब होती है जब लाइटिंग होती है। मौसम में बहुत बदलाव आया इस बार, डलहौजी में इस तरह की भीषण गर्मी देखने को मिला।
Come on.